Please subscribe my channel, like and share the video. Thank you. जानी कबूतरी को सैर करने का बहुत शौक था। एक दिन वो टहलने के लिए घर से निकली तो काफी दूर निकल गई। उसका बेटा आशु घर पर अकेला था। जानी की आदत थी कि वो सुबह सवेरे की सैर जरूरी समझती थी। घर से निकलते समय उसने सोचा, मैं पहले वॉक कर आऊं, अब उसके बाद आकर नाश्ता बनाऊंगी। और वैसे भी अभी आशु सो रहा है, जब तक वो सोकर उठेगा मैं होकर वापस आ जाऊंगी। और फिर जानी सैर के लिए निकल गई। जंगल में सैर करते करते जानी काफी दूर निकल आई थी। वहां आशु भी जब सोकर उठा तो उसने घर पर अपनी मम्मी को नहीं देखा। अरे ये मम्मी कहाँ चली गई? लगता है अभी वॉक करके वापस नहीं आई। अरे यार, आज तो मेरा भी मन कर रहा है बाहर जाने का। ऐसा सोचते हुए आशु भी घर से निकल पड़ा। अरे वाह, बाहर तो बड़ा नज़ारा है। अच्छा तो अब समझ में आया, मम्मी हर रोज़ सुबह सवेरे सैर करने क्यों चली जाती है। मैं भी आइंदा हर रोज सैर करने के लिए मम्मी के साथ जाया करूँगा। वहाँ जानी को अचानक एहसास हुआ कि वो तो घर से काफी दूर आ चुकी है। अरे बाप रे, जानी की बच्ची, तू इतनी दूर आ गई। अब तक तो आशु भी उठ चुका होगा। चल भाई चल, वापस चल, जाकर उसको नाश्ता भी तो कराना है। जानी तेज तेज कदम उठाती हुई वापसी की राह लेती है। जब वो वापस पहुंची तो ये देखकर चौंक गई, क्योंकि उसका घोंसला खाली था। अरे अब ये आशु कहाँ चला गया? लगता है वो मुझे ढूंढते ढूंढते कहीं बाहर चला गया है। लेकिन वो तो अभी बहुत छोटा है, अब वो तो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता। अब क्या करूं? उसको इस तरह से छोड़ देना भी तो ठीक नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, नदी की तरफ जाकर देखती हूँ, क्या पता वो मुझे वहाँ मिल जाए। और फिर जानी नदी की तरफ चली जाती है। उसने सारा रास्ता भी उसको ढूंढते हुए ही गुजारा। आखिर वो नदी के पास पहुँची, लेकिन उसको राजू कहीं नहीं मिला। अब जानी को उसकी फिक्र हो रही थी और वो अंदर से थोड़ी गमगीन भी थी। हाय अल्लाह, मैं आखिर क्यों इतनी दूर चली गई थी? मुझे अपने बच्चे को इस तरह से घर पे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अब क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उसे? वो बहुत छोटा है, मुझे तो लगता है कि वो घर का रास्ता भूल चुका है। यही सब सोचते सोचते जानी कबूतरी रोने लगती है। नदी के पास बैठी रो रही थी कि अचानक उसको तोता मिल जाता है। क्या हुआ जानी बहन, इस तरह से क्यों रो रही हो? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। बस तोते भैया, क्या बताऊं तुम्हें, मेरा बच्चा खो गया है। मैंने उसको सब जगह पर देख लिया, परंतु वो मुझे कहीं नहीं मिला। मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, कहीं अगर उसे कुछ खो गया तो मैं क्या करूंगी। अरे जानी बहन, इतना क्यों फिक्र कर रही हो? तुम कहो तो एक बार मैं उसको देख लूं, क्या पता वो मुझे कहीं नदी में ही मिल जाए। और पता है, मैं तो बहुत अच्छा तैर लेता हूँ, मैं उसे सारी नदी में ढूंढ कर आता हूँ। अरे भैया, वो नदी में क्यों आएगा, उसको तो तैरना भी नहीं आता ना। और वैसे भी वो भी बहुत छोटा है, अपना ख्याल नहीं रख सकता। उसे तो पानी से बहुत डर लगता है, वो पानी में नहीं जा सकता, वो तो हवाओं में उड़ता है, वो नदी में क्यों आएगा। अरे बहन, तुम मुझे एक बार मौका तो दो, हो सकता है वो मुझे कहीं मिल जाए।
चलो अब तुम मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढने के लिए जाता हूँ। तोते ने जानी कबूतरी को तसल्ली दी और खुद नदी में गोता खा गया। जानी कबूतरी अब अपने बच्चे को ढूंढने के लिए किसी और रास्ते की तरफ निकल जाती है। थोड़ा सा दूर जाने पर उसको मोंटू बंदर नजर आता है। मोंटू पेड़ों पर छलांगे लगा रहा था, कभी एक पेड़ पर तो कभी दूसरे पेड़ पर। जानी उसके पास चली जाती है। अरे मोंटू भैया, क्या तुमने मेरे बच्चे को कहीं देखा है? वो बहुत प्यारा है, वो सफेद कलर का है और बहुत शरारती भी है। क्या आज सुबह से तुमने उसे कहीं देखा? नहीं नहीं जानी बहन, मैंने तो उसको कहीं नहीं देखा। मैं तो सुबह से पेड़ों पर छलांगे लगा रहा हूँ, मुझे तो वो कहीं नजर नहीं आया। क्या तुमने भी उसे नहीं देखा? हाय मेरा बच्चा कहाँ खो गया, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? हाय मैं क्यों शहर के लिए गई थी, अगर मुझे पता होता तो मैं उसे घर पे अकेला छोड़कर कभी ना जाती। अच्छा अच्छा, तुम रोना तो बंद करो ना, अगर तुम कहो तो मैं उसे पूरे जंगल में ढूंढ कर आता हूँ। इस तरह रोने से क्या वो वापस आ जाएगा? प्लीज मत रो। अभी वो दोनों बातें कर रहे थे कि ऊपर से शेर बादशाह आ जाते हैं। अरे क्या बात चल रही है तुम दोनों के दरमियान, जरा मुझे भी तो पता चले मांटो साहब किसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और फिर जानी कबूतरी ने रोते रोते शेर को भी सब कुछ बता दिया। शेर बादशाह, क्या आपने मेरे बच्चे को कहीं देखा है? अगर देखा है तो मुझे बता दें, मैं अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान हूँ। मेरा बच्चा कहीं खो गया है, वो बहुत छोटा है, अपना ख्याल नहीं रख सकता। नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि वो अगर मुझे मिलता तो मैं उसको जिंदा जाने देता? कभी नहीं, कभी नहीं जिंदा छोड़ता मैं उसको, मुझे तो अब भी बहुत भूख लगी है। शेर का ऐसा जवाब सुनना था कि जानी कबूतरी तो फिर से रोने लगती है। प्लीज शेर बादशाह, मेरे सामने तो ऐसी बातें मत करे ना, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ और मैं अपने इस गम का इलाज पता नहीं कैसे कर पाऊंगी। हाँ तो मैं करता हूँ ना तुम्हारा इलाज, तुम एक काम करो, तुम अपने आप को भी मेरे हवाले कर दो, तुम्हारा गम भी दूर हो जाएगा और मेरी भूख भी मिट जाएगी। ऐसे भी तो तुम अकेली हो गई हो ना, तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। बोलो क्या ख्याल है, खा जाऊं तुम्हें? ऐसा कहकर शेर जानी को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। मोंटू बंदर ने भी उसके इरादे भांप लिए थे। अरे चलो चलो शेर बादशाह, अपना काम करो जाके, बड़े आए और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं खुद तुम्हें देख लूंगा। मोंटू को गुस्से में देखकर शेर ने वहां से पतली गली से निकल लेने में ही बेहतरी समझी। उसके जाने के बाद जानी कबूतरी मजीद दुखी हो गई। तुम दुखी मत हो जानी बहन, मैं अभी आशु को ढूंढने के लिए निकल रहा हूँ। उसको तसल्ली देकर मोंटू वहाँ से चला जाता है। जानी भी भारी दिल के साथ शेर की बातों को सोचते हुए वापिस अपने घर की तरफ चल पड़ती है। अगर मेरा आशु घर न आया तो, हाय नहीं नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। या अल्लाह, मेरे बच्चे को सही सलामत घर पहुंचा दे, मेरा बच्चा ही तो मेरा सहारा है, मैं तो उसके बिना रहने का सोच भी नहीं सकती। क्या पता वो कहाँ होगा और क्या पता वो किसी का नवाला बन चुका हो। हाय मेरा मासूम बच्चा। जानी कबूतरी अपने दिल में ढेरों वसवसे लिए चली जा रही थी। आखिर वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंच जाती है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो अपने जिगर गोशे के बारे में जहां इतनी परेशान हो रही थी, वहीं उसका बेटा
उसकी नजरों के सामने बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अरे माँ, तुम कहाँ चली गई थी? मैं सुबह से बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, तू कहाँ चला गया था? मैं उस समय घर आई थी पर तू यहाँ नहीं था। मैं उसी समय से तुझे मारी मारी ढूंढ रही हूँ। न जाने तब से लेकर कैसे बुरे बुरे ख्याल मेरे दिल में आ रहे हैं। आइंदा ऐसा कभी ना करना, मुझे बिना बताए कभी कहीं मत जाना। अरे माँ, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं भी तुम्हारी तरह सैर के लिए निकल गया था, लेकिन मैं वहाँ जाकर रास्ता भूल गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। और फिर माँ, पता है क्या हुआ? जब मैं बहुत परेशान था ना, तो मुझे मेरे दिल से आवाज़ आई और मैंने भी आंखें बंद करके अपने दिल की सुनी, तो मेरा दिल मुझे अपने घर के रास्ते पर चलाने लगा और मैं चलते चलते यहाँ पहुँच गया। हाँ बेटा, जहाँ हमारे दिल को सुकून मिले वहाँ हमारा दिल हमें चलाता हुआ ले ही जाता है। हमें अपने घरों से बड़ी मोहब्बत होती है बेटा, क्योंकि ये घर ही ऐसी जगह है जहाँ हम सुकून महसूस करते हैं। बस इसीलिए हमारा दिल हमें वो राह कभी भूलने नहीं देता। देखा प्यारे दोस्तों, हमें भी अपने घर से मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि वाकई घर ऐसी जगह होता है जहाँ हमें बहुत सुकून मिलता है।